नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। बहराइच में दबंगों ने रातों रात स्टे की जमीन पर कब्जा कर लिया। हैरानी की बात तो यह है कि सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। युवक का आरोप है कि पुलिस की मिली भगत से दबंगों ने जमीन पर किया कब्जा। आपको बता दें कि दबंगों ने कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना, वहीं अब पुलिस बनी है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस को जानकारी देने के बाद भी दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित युवक को दबंगों ने मारने का भी प्रयास किया, जिसके शोर मचाने पर गांव वालों ने पीड़ित युवक को बचाया। पीड़ित युवक ने कहा कि उक्त भूमि पर हाईकोर्ट से स्टे व कोर्ट ऑफ कंटेनमेंट का आदेश प्राप्त है, फिर भी दबंगों ने जबरन जमीन पर कब्जा किया है। आपका नाम क्या है? अरशद। कहाँ के रहने वाले आप? ईसापुर ग्राम। थाना कौन सा है? थाना कोतवाली नानपारा। तहसील कहाँ लगता है? नानपारा। क्या मामला है? ये मेरा हाई कोर्ट का स्टे है और इस पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है जी। इसको जबरदस्ती विपक्षी जो है जोत रहा है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड है जी। और मैंने कई एप्लीकेशन दिए हैं जी, जिस पर कोई SP के यहाँ से, DIG और पुलिस महानिदेशक IG के यहाँ से, वहाँ से लिख करके आया है कि जाँच करके FIR दर्ज करें जी। और थाना प्रभारी निरीक्षक और हल्का इंचार्ज दरोगा जी जो है जी, वो कह रहे हैं कि वो कुछ भी लिख करके आया है, वो उत्तर प्रदेश होमगार्ड है, उसका पक्ष लेंगे, वो चाहे सही करे चाहे गलत करे। ये कितने बीघा है? ये 9.5 बीघा है जी। जी, ये 9.5 बीघा है। इस पे जो है स्टे लगा हुआ था, इस पे 2/11/2010 स्टे लगा हुआ है जी। और 4/11/2020 में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हाईकोर्ट से हो गया है, उसके बावजूद भी इन्होंने आज रात को 4 बजे ग्राम प्रधान के कुछ आदमी मिल करके इसको जबरदस्ती जोतवा दे, जबकि ये खेत पड़ती पड़ी थी, वो गड्ढा है सामने, उस गड्ढे से भी मालूम होता है कि ये कब से पड़ी हुई है। इसमें नटवा भी पुलिस के द्वारा क्या सुन, पुलिस के द्वारा 112 नंबर फ़ोन किए थे, उस पर 112 नंबर पुलिस आई यहाँ पर और सभी को उधर तो गई नहीं, हमको बुला के कि थाने पर आ जाओ। थाना प्रभारी निरीक्षक को जो है मैंने फ़ोन किया और SP जी को फ़ोन किया, तो SP ने कहा कि थाना प्रभारी को फ़ोन करो। थाना प्रभारी मेरा पहले फ़ोन काट दिए और उसके बाद में जब फ़ोन उठाए तो कहे हैं कि सुबह आ जाओ, तो हम कहे सर यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, आप आ जाए, तो कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश होमगार्ड है, जो कहेगा वही करेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं। और ऐसे हाईकोर्ट के आदेश, वो चाहे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो या स्टे हो, हम अपनी जेब में लेकर टहलते हैं। चलिए, धन्यवाद।